हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो फिर से भव्य स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। मैं हूँ मिस्टर थाउसेन। आज आपके लिए एक अलग सा नया वीडियो लाया है जो कि जॉब से रिलेटेड है। ये मैं SLPRV की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आ चुका हूँ और इसको मैं डेस्क एक्सरसाइज कर लेता हूँ। और ये है कि इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ये जो पोस्ट है असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो कि कल शाम 5 बजे से ये अप्लाई स्टार्ट हो चुका था। इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल चुका होगा। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन की वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक पे सब कुछ मैं अवेलेबल कर लूँगा। ये डायरेक्ट लिंक भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी बढ़ते अप्लाई की तरफ। पहले जो है आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा और उसकी नीचे है आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। जो भी है आपका OBC ST ST हिल्स ST प्लेन्स ये भर लीजिएगा। और उसकी नीचे है आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सेस का नंबर भरना होगा। और उसके नीचे है व्हाट इज़ 2 + 8, इसको आप प्लस करके यहाँ पे 10 लिख दो। ये बच्चे वाला हरकत करा यहाँ पे, ये मैंने भर लिख दिया है। और यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अभी ये रहा और आपका ये जो है नंबर पे OTP आएगा, मेरा आ चुका है इस वक्त। मैं ये भर देता हूँ। भरने के बाद ये मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा अभी। ठीक है, ये भर दिया और ये सबमिट हो गया और ये आ गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। दूसरा स्टेप यहाँ पे पहला स्टेप आ गया है अपना बेसिक डिटेल्स भरने का। और यहाँ पे जो है पहला अपना कास्ट जो है ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लिक करके ये आ जाएगा। और उसके नीचे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और ये जो है उसके बाद नीचे PN सुविधा के बारे में आपको अप्लाई करना है कि नहीं यहाँ पे पूछा गया है। मैं यस कर रहा हूँ, मुझे करना है। और यहाँ पे अपना ITI की वो जो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। ये सब पूछा गया है। नीचे और भी पूछा गया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या नहीं, उसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको यस और नो के ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से जो भी सेलेक्ट करो, अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। ये सब नीचे ऐसे ही 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप ये जो है ना सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई यस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, नहीं है तो नो। तो फिर ये मैं भर लेता हूँ ये डिटेल्स। और ये भर लिया है मैंने सब कुछ। अभी नेक्स्ट स्टेप पे गो नेक्स्ट पे क्लिक करो। और फिर आ गया ये आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये आप सेलेक्ट करो। आपको जो भी प्रेफरेंस देना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल 255 वैकेंसी का ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है। और ये थर्ड स्टेप पे आ गया हूँ मैं। अभी अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा आपको। ये अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालो और नहीं है तो लास्ट नेम यानी टाइटल डालो। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम दो और उसके बाद आपका मदर नेम। उसके बाद अपना ये दूसरा फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना रिलीजन जो भी है वो सेलेक्ट करो। मान लो मैं हिंदू हूँ, हिंदू सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नेशनलिटी वो इंडियन ही होगा, सभी अदर्स भी चलेगा। और यहाँ पे पूछा गया है UWS सर्टिफिकेट के बारे में। और यहाँ पे अपना विलेज जो है भरो और यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालो। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा उसके नीचे। उसके नीचे फिर है पुलिस स्टेशन और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड। और यहाँ जो लाल बटन दिखा है, अगर आपका नीचे का मतलब परमानेंट कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो क्लिक करना भरने के बाद। ठीक है, और ये जो है सब आ जाएगा अपने आप ऑटो फिलअप। मैं ये भर लेता हूँ और देखो मैंने भर लिया है। अभी भरने के बाद ये ऑटोमेटिकली भर गया नीचे का भी। अभी गो नेक्स्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे फोटोज़ के बारे में दिया गया है। ये सब आप अप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, साइज़ वगैरह में बना लीजिएगा। और यहाँ पे पहला जो है अपना फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना होगा और उसके नीचे अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको। और उसके नीचे है अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, जिस सर्टिफिकेट में आपका एडमिट HSLC का, उसको अपलोड कर दो। और यहाँ पे अपना मार्कशीट
अपलोड करो पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिनिमम क्वालिफिकेशन का, और यहाँ पे तुम्हें एक्सेस रजिस्ट्रेशन को अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद नीचे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और उसके नीचे है आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, ये मैं अपलोड कर दिया, अभी गो नेक्स्ट। अभी ये आएगा आपका फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे आपका डिटेल्स आप अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको आप अपलोड करने से पहले, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैंने प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैं गो नेक्स्ट पे, यहाँ पे पूछा गया है श्योर या नहीं, यहाँ पर मैं श्योर कर देता हूँ क्योंकि मेरा सभी डिटेल्स सही है। आप इसको क्लिक करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एडिट आपको बाद में नहीं मिलेगा। ये हो गया मेरा अप्लाई, और इसको मैं प्रिंट पे क्लिक करके या मैं पीडीएफ मोड पे अपने फ़ोन पे सेव करके रखूँगा और बाद में मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, आप ही ऐसे ही करना, इसको खो दोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और ये हो गया मेरा कंप्लीट अप्लाई। यहाँ पे आप रिपेयर योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अगर आपका एप्लीकेशन खो गया है तो फिर से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है एप्लीकेशन आईडी और फ़ोन नंबर दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ, आप फ़ोन नंबर देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया फ़ोन नंबर, और ये आ गया फिर से मेरा ये एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो गाइस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे ये मैं लिंक दे दूँगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक करो, कमेंट करके बताओ, शेयर करो सभी अपने दोस्तों को अप्लाई करने के बारे में बताओ। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।